नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपीट प्लस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों ये शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं, इनमें से आपको बताना है। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विस्मयादिबोधक अव्यय। ऑप्शन ए राइट जवाब बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? तो ने का प्रयोग कर्ता कारक के साथ होता है, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिबिया डिबिए, ऑप्शन बी सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर है दोस्तों, रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रज भाषा, इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है, पांचवा क्वेश्चन नंबर, पक्षी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज, पंकज यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मेरा आज खाने का मन नहीं होता, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मन नहीं होता, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, इनमें शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन दिए गए ऑप्शंस में से शुद्ध शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध्ययन, शुद्ध शब्द है, इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर एट है, जिसे क्षमा न किया जा सके के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्षम्य, में ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस है, रस आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भयानक रस है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेन, अनुस्वार का चिन्ह है इनमें से कौन सा है? तो अनुस्वार का चिन्ह ऑप्शन डी है, ऊपर के स्वर के ऊपर एक बिंदु, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, ए बी सी से कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोह शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरा दिल बाग बाग हो गया, आई वॉज ओवर जॉय, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, राम ने यहाँ पे आपको फिल करना है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी राम ने तस्वीर देखी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी अक्षवाट अखाड़ा, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा विमुख, विमुख इसका सही जवाब बनेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट, इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परसर कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रोध रूपी अग्नि बराबर क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है 20 है, क्वेश्चन नंबर, उत्थान का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पतन, इसका राइट जवाब बनेगा, उत्थान शब्द का सही विलोम शब्द पतन है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 से 25 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए।
दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीनता, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते अथवा प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का। तो ये रहा दोस्तों हिंदी का गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। खेलों में निर्धन राष्ट्र की हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा खेलों को राष्ट्र सम्मान, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है, इनमें से कौन सा हो सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खेलों का गिरता स्तर। क्वेश्चन नंबर 23, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, इनमें से कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपसी गुटबंदी होने से। क्वेश्चन नंबर 25 है, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, खेल। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध अवधि, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित छह वाक्यांशों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थ से परिचित होते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 28, क्वेश्चन नंबर, गोधूम शब्द है, इनमें से आपको बताना है, तो गोधूम शब्द तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गेहूं है, तो ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद के और शेष चार चरण रोला छंद के होते हैं, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कुंडलियां, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलस, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक ही शब्द होगा, इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आध्यात्मिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित शब्दों को सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट एक तरफ है, सूची सेकंड एक तरफ दी गई है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, हाथ से लिखित, ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नगद का किससे है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मूल से है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है दिए गए ऑप्शन में से, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गमला, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिए गए वाक्यों के जिस अंश में टूटी हो उसे ए बी सी से इंगित कर दीजिए, उत्तर दीजिए, कोई टूट ना होने पर उत्तर दे दीजिए, तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डरकर भागना। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्य काल में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, टेस्टीमोनियल का हिंदी अनुवाद है इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है इनमें से दोस्तों, तो कालिंदी का पर्यायवाची यमुना है, ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
वेदना इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन ए, उस पहाड़ी के पीछे, ऑप्शन ए सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10, इसका सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है में से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाप रे बाप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जो किसी का अनुवाद ना हो के लिए एक शब्द होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मौलिक, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियाँ सुधारे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इन पंक्तियों में अलंकार आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी रुदन, रुदन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हास्य शब्द का विलोम रुदन है, ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सूचक कोई शब्द है, जैसे दरवाजे पर कोई है, तो ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 50, क्वेश्चन नंबर उप विराम का चिन्ह है इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उप विराम का चिन्ह है। तो दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।